हेलो फ्रेंड्स, मैं मसूरी में हूँ और हम जा रहे हैं आज गन हिल। मम्मी और भाई रोपवे से जाएंगे और हमने पैदल जाने का फैसला लिया है। मैं बचपन से लगातार मसूरी आ रहा हूँ। साल में 2 या 3 चक्कर मसूरी के ज़रूर लगते हैं और जितनी बार भी आता हूँ गन हिल ज़रूर जाता हूँ। और सिर्फ मैं 2 बार बचपन से जब तक आया हूँ, मैं सिर्फ 2 बार गन हिल रोपवे से गया हूँ। हमेशा पैदल जाता हूँ और पैदल का रास्ता इतना बढ़िया है कि आपको ऐसे ऐसे नज़ारे मिलेंगे रास्ते में, बादल, पहाड़, सारी चोटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और जो ट्रैकिंग का मज़ा होता है वो एक ट्रैवलर ही जान सकता है, टूरिस्ट नहीं जान सकता। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मसूरी, मेरे को जब याद है तब उस वक़्त 20 रुपये रोपवे का टिकट था अप एंड डाउन का। आज 180 रुपये का टिकट है अप डाउन का, और वो भी 180 रुपये 3-4 साल पहले 100 रुपये ही थे, अब 100 से 180 रुपये हो चुके हैं। पैदल का रास्ता कोई मुश्किल नहीं है, आप 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, जबकि मैं 9 मिनट 10 मिनट तक आराम से बिना रुके नॉन स्टॉप मैं 9-10 मिनट में आराम से पहुंच जाता हूं। अगर आप ब्रेक ले लेके आएंगे तब भी आप मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस जगह का नाम गन हिल क्यों पड़ा। यहां पर जब अंग्रेज रहा करते थे तब वो लोगों को टाइम मिलाने के लिए उतने विस्फोट करते थे तोप से, जितने गोले चलाते थे उतना लोग उससे टाइम मिलाते थे। जैसे 10 बजे हैं तो वो 10 गोले चलाते थे और लोग उससे अपना घड़ी का टाइम सेट करते थे कि अब 10 बज चुके हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अंग्रेज इसलिए वहाँ से विस्फोट करते थे कि उनके साथ उनकी पत्नियाँ होती थी और उनको लोग यहाँ के स्थानीय लोग जो भी हैं वो उनको ना देख सकें। ये हिमालयन व्यू पॉइंट है, यहाँ का खाना अंकल की चाय, और यहाँ के जो दृश्य हैं काफ़ी मनमोहक हैं। ये हमारा पकौड़ा है, कैसी हो चाय? ठीक है, अदरक वाली है ना? बुला अंकल को बुला। अच्छा अब बताओ नमन के भाई, आगे से कभी सैटरडे को आना पसंद करोगे यहाँ पे? कभी हैं आओगे सैटरडे को रात को? और रूम कितने का मिलेगा? अंकल थे ही नहीं, नहीं थे अंकल थे ही नहीं आपके। यहाँ पर तरह तरह के गेम्स हैं, आपको जरूर खेलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बच्चों के लिए हैं, अपने अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रखना चाहिए और पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी तरह के गेम्स हैं, रिंग्स हैं और बलून वाले हैं और गन वाले हैं और काफ़ी तरह के गेम्स हैं यहाँ पर, जिनको आप इनका भी जो शॉप्स हैं यहाँ पे, इनकी 100 ईयर की लीज है, ये भी खाली बैठे रहते हैं, उनका भी काम अच्छा चलेगा और आप भी इंजॉय करेंगे। यहाँ गन हिल पे शिव जी का मंदिर भी है, वहाँ पर भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कुछ मैजिक की शॉप्स भी हैं, ज्वेलरी की शॉप भी है और लकड़ी के सामानों की भी शॉप भी है। और आप यहाँ पर पहाड़ी कपड़े पहनकर भी आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये हम मॉल रोड पे आ गए हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और गन हिल पे तो काफ़ी ऊपर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं और जो आपको खाने का मज़ा हिमालयन व्यू पॉइंट पे आएगा वो आपको कहीं नहीं आएगा। बाकी मॉल रोड पे भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं, ढाबे भी हैं,
जहाँ पे आप इकोनॉमिकल खा सकते हैं, बजट के अंदर अपना खाना खा सकते हैं। अभी हम लवली ऑमलेट वाले की शॉप पर जा रहे हैं। मसूरी मॉल रोड आए हैं तो लवली ऑमलेट खाना तो बनता ही है। ये जो मसूरी का मॉल रोड है, ये इंडिया का जितने भी हिल स्टेशन है वहाँ का सबसे बड़ा मॉल रोड है। पिक्चर पैलेस से लेकर लाइब्रेरी तक 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा ये मॉल रोड है। आप लोकल ऑमलेट खाएंगे वो भी 50-60 का है, और लवली का ऑमलेट खाएंगे तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 60 या 70 रुपए का नॉर्मल ऑमलेट है। ये सैंडोज है, दिल्ली में इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं, मसूरी में अभी अभी खुला है। खाना बहुत ही बढ़िया है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, जब भी मसूरी आइए यहाँ पर ज़रूर खाना खाइए। अब जा रहे हैं स्वीट की शॉप पे, यहाँ की रसमलाई और बंगाली मिठाइयाँ काफ़ी फेमस हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।